क्या भाई लोग, आप लोग भी बॉलीवुड की जगह टॉलीवुड की मूवी देखना ज्यादा पसंद करते हो क्योंकि उसमें मास मसाला, एंटरटेनमेंट, एक्शन, रोमांस सभी कुछ होता है, तभी तो देखने में मजा आता है। भाई मुंह की बात छीन ली। तो आज तुम्हारा भाई लेके आया टॉलीवुड की टॉप 5 ऐसे अपकमिंग मूवी जो कि आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि भाई वो मूवी कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं होने वाली, सब एक से बढ़कर एक होने वाली है जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो देखो जो पहली मूवी आ रही है वो है अल्लू अर्जुन की तरफ से, जिसका नाम है आइकॉन। अब भाई अल्लू अर्जुन इतने बेहतरीन एक्टर है ना, मुझे तो आपको बताने की जरूरत नहीं, कि पुष्पा में आपने उनका काम जरूर देखा है। लेकिन देखो ये जो मूवी है ना, ये रोमांटिक कॉमेडी होने वाली है, तो भाई इससे एक्शन ज्यादा एक्सेप्ट मत करना। अब इस मूवी में अल्लू अर्जुन तो लीड में होने वाली है, साथ ही साथ इनके साथ कृतिका सनन भी होने वाली है। फिलहाल मूवी की रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, जब मूवी आएगी तब देखेंगे, लेकिन भाई मूवी होने वाली है एक नंबर। सेकंड मूवी की बात करें तो भाई उसका नाम है सलार, जिसमें हमें प्रभास लीड रोल में दिखेंगे। अब भाई प्रभास कुछ समय से इतना गंदा हग रहे हैं ना, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आपने अगर आदि पुरुष का ट्रेलर देखा होगा एंड बाहुबली के बाद भाई प्रवास की एक भी पिक्चर अच्छे से नहीं चली है, तो भाई सलार का तो मैं उतना ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकता। लेकिन जो इसके साथ डायरेक्टर जुड़े हैं प्रसाद नील, उन्होंने ही KGF 1 एंड KGF 2 डायरेक्ट की है, तो भाई ये सलार मूवी से ना मेरी उम्मीदें बहुत है, बस आदि पुरुष जैसे टूट ना जाए। अगर कास्ट की बात करें तो हमें प्रभास तो दिखने ही वाली है, साथ में श्रुति हसन भी दिखने वाली है। मूवी का रिलीज डेट है 28 सितंबर 2023। कहा तो ऐसे भी जा रहा है कि ये मूवी डायरेक्टली कनेक्ट होने वाली है KGF से, फिलहाल इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं है। अब जो तीसरी मूवी होने वाली है वो भी भाई प्रभास की ही होने वाली है, जो कि है प्रोजेक्ट के। अभी रिलीज डेट तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका बजट जो है वो कहा जा रहा है कि 500 करोड़ के आसपास है। अब भाई प्रभास की मूवी जब भी 500 करोड़ के आसपास आती है तो प्रभास बहुत जोर से हगते हैं, मैं इस मूवी का कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता। मूवी के कास्ट की बात करें तो भाई आपको प्रभास तो देखने को मिलेंगे, साथ में अमिताभ बच्चन एंड दीपिका पादुकोण भी देखने को मिलेगी। मूवी कुछ साइंस फ्रिक्शन टाइप की होने वाली है और इसके जो डायरेक्टर है वो नाग अश्विन है, जिनकी मैंने एक भी मूवी शायद तक नहीं देखी है। अब चौथी मूवी की बात करें तो भाई उसका नाम है हिट 2। देखो हिट आया था 2022 में एंड ये इसका ही सीक्वल होने वाली है हिट 2। तो आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो देख लेना, क्या पता कुछ कनेक्ट वनेक्ट निकल जाए तो शायद हो सकता है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट ना इस मूवी के हीरो में है, क्योंकि इस मूवी के हीरो को मैंने लास्ट बार मेजर मूवी में देखा है एंड मेजर मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी एंड आपको भी शायद बहुत पसंद आई होगी, तो भाई उसमें तो उनका काम मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इस मूवी से भी बहुत होप है मुझे कि भाई इस मूवी में मजा ही आ जाए। अब बात मजे की चल रही है तो थोड़ा मजा आप मुझे भी दे दो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये? नहीं नहीं उस टाइप का नहीं, मैं चैनल को सब्सक्राइब करने की बात कर रहा हूँ। देखो अगर आप चैनल पे पहली बार हो एंड मूवीज देखते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एंड जब सब्सक्राइब करोगे तो बगल वाले बेल बटन को भी ध्यान से सेट कर देना। अब पांचवे और आखिरी मूवी की बात करें तो उसका नाम है पुष्पा 2। जहां पहले पार्ट का नाम पुष्पा द राइज था, वही दूसरे पार्ट का नाम पुष्पा द रूल है। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ऑडियंस पुष्पा 2 के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। जैसे कि KGF 2 के लिए लोग एक्साइटेड थे ना, वैसे ही लोग पुष्पा 2 के लिए भी एक्साइटेड है। देखो मूवी का रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं है, अगर कंफर्म होगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन जहां पहले पार्ट का ना 170 से 250 करोड़ के आसपास बजट था, वही दूसरे पार्ट का ना सीधा भाई 400 करोड़ के आसपास का बजट, मतलब देख रहे हो डबल छलांग मार रहे हैं, तो सोच सकते हो कि पुष्पा 2 कितनी बेहतरीन बनने वाली है। तो भाई रुके रहो इस मूवी के लिए एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा तो पुष्पा 2 की भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। फिलहाल मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में किसी ऑनेस्ट टॉपिक पर, तो चलेगा टाटा बाय बाय।